हाँ नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज की नई वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आप YouTube गुरु, जो सबसे बड़े YouTube के गुरु हैं, उनकी आप इस वीडियो को देखिए। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों जो मैं अपने करियर में अपने इस चैनल पे गलतियां किया। मुझे वो चीज़ पता नहीं था कि ऐसा करने से फ्यूचर में ये हो जाएगा। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जितना भी नॉलेजेबल या जितना भी अच्छा वीडियो डाल दूँ, वो रीच नहीं आता है, नहीं आएगा और ना आएगा, बिकॉज सिस्टम मेरे पास जो मैंने जो गलतियाँ कर ली, ये सब इफेक्टिव है उस रेट में। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ना कि जो YouTube के गुरु हैं, जिन्होंने सबको यूट्यूबर बनाया, उन्होंने भी अपने YouTube चैनल पर कुछ ऐसी गलतियां की थी जिससे कि उनके चैनल पर व्यूज नहीं आते थे, जिससे उनका चैनल बहुत खराब हो गया था। एक टाइम पर उनका चैनल बहुत डेड हो गया था। 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी उनके चैनल पर व्यूज नहीं आते थे, जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है। गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, और इस लेवल पे आकर के गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं धर्मेंद्र सर का बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, और वो मेरे यूट्यूब के गुरु भी हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब इतने बड़े यूट्यूबर ने अपने चैनल पर गलती की, उनको पता भी नहीं चला, तो आप लोग यार मामूली से अभी जो नए नए यूट्यूबर हो, स्टार्टिंग में आ रहे हो, आप अपने यूट्यूब चैनल पर पता नहीं कितने लाखों गलतियां करते होगे, और ऐसे में आपके चैनल पर व्यूज नहीं आता, आपका चैनल डेड हो जाता है, आपका चैनल आगे चलेगा नहीं, और आपको पता भी नहीं चले कि यार मैंने गलतियां क्या की है। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं धर्मेंद्र सर से बात करके बहुत सारी चीजों को मतलब रिसर्च करके मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप ऐसे कुछ ऐसी YouTube पर गलतियां हैं जिसको आपको नहीं करना है, अदरवाइज आप कभी भी YouTube पे ग्रो ही नहीं हो पाओगे। धर्मेंद्र सर का कहना है कि भाई मैं अपने चैनल पर इतना बड़ा मेरा चरण हो गया है, जिसको मुझे देख करके लोग यूट्यूब पे आकर के चैनल अपना ग्रो कर लिए हैं, इतना होने के बावजूद भी, इतना नॉलेज होने के बावजूद मुझसे गलतियां हो गई और उस गलतियों का मुझे पता ही नहीं चला। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार ये गलती मैंने कर लिया है, लेकिन आगे जो यूट्यूबर हैं वो ऐसी गलती ना कर पाए। राहुल तुम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूं कि यूट्यूबर्स के जो मिस्टेक होते हैं, मैंने भी अपने चैनल पर गलती की हुई, लेकिन उसको मैंने सीखा हुआ है, और आज के टाइम पर धर्मेंद्र सर भी अपने चैनल की गलतियों को सुधार करके अपने चैनल को अच्छे तरीके से लेकर के चल रहे हैं। तो मैं आज आपको जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से उस चीज को अच्छे तरीके से आप देखिएगा, और जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप गांठ बांध लीजिएगा कि मुझे अपने ये चैनल पर गलती करनी ही नहीं है, कभी नहीं करनी है। अगर आप गलती कर रहे हो तो गलती को सुधार लो। इन गलतियों को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी आप कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आगे की जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी, रेगुलर मेरी वीडियो आएंगी, वो आपको मिलते रहेंगी, और आप नया कुछ ना कुछ सीखते रहोगे और यूट्यूब चैनल पर ग्रो करते रहोगे, और बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है। तो सबसे पहले ये वाला काम कर लीजिए, आगे चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक जब यूट्यूबर जब नया चैनल अपना स्टार्ट करता है, वीडियो जब बनाना स्टार्ट करता है ना, तो उसको ये नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब पहली मिस्टेक मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, यहां पर यूट्यूबर्स का पहला मिस्टेक है कि किसी वीडियो पे होता है ना, अभी मैं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरे किसी किसी वीडियो पे जो है बहुत अच्छे व्यूज आ जाते हैं, किसी वीडियो पे अच्छा व्यूज आ जाता है और किसी वीडियो पे कम व्यूज आ जाता है। तो जब किसी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार ये वाली वीडियो मैंने डाला और उस वीडियो पर बहुत अच्छे खासे व्यूज आ गए, अब मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और जब उसी मोटिवेशन के साथ में आप जब नेक्स्ट वीडियो बनाते हो और YouTube पे अपलोड करते हो, तो आपके क्या आ जाते हैं, कम व्यूज आ जाते हैं। तो जो अगले दिन का जो मोटिवेशन मिला रहता है वो दूसरे दिन में धड़ाम से डाउन चला जाता है। आप सोचने लगते हो कि अरे अगले दिन वाला सुधरा, जब वीडियो मैंने डाला था तो उस पर तो अच्छे खासे व्यूज आए थे, लेकिन आज मैं जब वही वीडियो डाल रहा हूं, अपने ही चैनल पर मैं अपनी खुद की वीडियो बना करके डाल रहा हूं, तो मेरे उस वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, थोड़ा सा आप डिमोरलाइज हो जाते हो कि यार टेंशन में आ जाते हो, और फिर सोचते हो कि यार आ ही नहीं रहा है, अब क्या करूं। इसके बाद उस चक्कर में आप कई सारी ऐसी गलतियां करने लगते हो, इररेगुलर होने लगते हो, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप YouTube पे आओगे, YouTube पे जो ऑडियंस आते हैं, जो आपके चैनल पे सब्सक्राइबर आते हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइबर हर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको, जैसे खाने की बात मैं आपको बता दूं, अच्छे तरीके से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको हर खाना नहीं पसंद होगा, किसी को वेजिटेरियन पसंद होगा, किसी को नॉन वेजिटेरियन पसंद होगा, लेकिन खाना तो है खाना ही, ठीक है। आप किसी को करेले की सब्जी नहीं पसंद होगी, किसी को करेले का सब्जी पसंद होगा, किसको करेला पसंद है, किसको करेला नहीं पसंद है, किसी को मटर की सब्जी नहीं पसंद होगी, किसी को मटर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद होगी। जैसे मुझे परवल की सब्जी मटर नहीं पसंद नहीं है, मटर की सब्जी,
लेकिन दूसरी सब्जी मुझे पसंद है। तो है तो खाना ही है तो सब्जी, लेकिन उसमें कुछ चीजें पसंद होती कुछ चीजें नहीं पसंद होती। तो उसी तरह से जब आप अपने चैनल पर वीडियो डालते हो तो किसी वीडियो पे आपके व्यूज ज्यादा चले आते हैं, किसी वीडियो पे आपके व्यूज कम चले आते हैं। तो ये यूट्यूब का एक नियम है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, अरे यार वीडियो डाला था उस वीडियो पर व्यूज आए हैं, इस वीडियो को दूसरी वीडियो डाल दिए इस पर व्यूज ही नहीं आ रहे, वीडियो ही नहीं डालता हूं। अरे यार मैं तो डिमोटिवेट हो गया हूं, बहुत गुस्सा आ रहा है, जब मेरे अच्छे व्यूज आएंगे तब मैं वीडियो डालूंगा। तो ये गलती नहीं करनी है, जब तक आप वीडियो डालते नहीं रहोगे आपके व्यूज ही नहीं आएंगे, है ना। तो किसी पे कम ज्यादा व्यूज आ जा रहे हैं और किसी पे कम व्यूज आ रहा है, इसको तो ध्यान ही नहीं देना है। किसी पे ज्यादा व्यूज आ जा रहा है, हो सकता है वो टॉपिक अच्छा हो, सकता है वो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आया हो। किसी पे कम व्यूज आ रहा है तो हो सकता है कि वो टॉपिक ऑडियंस को नहीं पसंद आ रहा हो सकता है कि वो ऑडियंस के लिए करेला हो सकता है कि वो ऑडियंस के लिए ऐसी चीज हो जो उनको पसंद नहीं आ रही हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो जब डालोगे, दूसरी वीडियो डालोगे, तीसरी वीडियो डालोगे तो हो सकता है कि वो अच्छा चले। तो इसको कभी भी ये बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए कि यार आज वाली वीडियो डाला हूं अच्छा चला है, नेक्स्ट वाली वीडियो डाला हूं नहीं चल रहा है, तो अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, यूट्यूब से थोड़ा बेकार है, मेरी वीडियो को भेज नहीं रहा है, मेरी वीडियो का इंप्रेशन नहीं भेज रहा है, ठीक है ऑडियंस नहीं देख रही है। यहां पर ये चीजों को एकदम से ध्यान नहीं रखना है, आपको रेगुलर कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाते रहना। तो पहली गलती ये है, ठीक है, कि यार पहले वीडियो पर व्यूज आ रहे थे अभी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, तो आपको रेगुलर कंटिन्यूअसली वीडियोस को बनाते रहना, ठीक है। अब यहां पर जो दूसरा मिस्टेक है, दूसरा मिस्टेक क्या है, जब अच्छा टॉपिक होगा तब वीडियो बनाऊंगा। काफी सारे लोग कौन कौन ऐसा सोचता है कि यार जब अच्छा टॉपिक मिलेगा ना तब मैं वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए आप अपना चैनल स्टार्ट किए हो और महीने की एक तारीख को आपने एक वीडियो डाल दिया, एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। अब आपको लग रहा है कि ये अच्छा टॉपिक है, ये आपको लग रहा है कि अच्छा टॉपिक है आपके हिसाब से। अब इसके बाद एक वीडियो डाल दिया, फिर आपको अच्छा टॉपिक मिला ही नहीं, आप वीडियो तो आपको बनाना है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये वाली वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है कि ऑडियंस ना देखे इस वीडियो में, तो ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो ऑडियंस ना देखे। तो आप इस सोच में अच्छे टॉपिक के चक्कर में आप दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन गैप डाल दिए, ठीक है। अब एक दो तीन चार गैप डाल दिए तो फिर छठवें दिन में आपको कोई अच्छा टॉपिक मिला, उस दिन आपने फिर से वीडियो अपलोड कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। तो जब यहां पर आप वीडियो डालोगे, मान लो जो 10 लोग ही देखे आपके वीडियो को, अब आपने यहां पर गैप कर दिया और छठवें दिन आप वीडियो डाल रहे हो फिर से, तो इतने दिन के गैप में आप अगर नए यूट्यूबर हो तो आपकी ऑडियंस आपको भूल जाएंगे, और छठवें दिन जब डालोगे तो यूट्यूब उस वीडियो को रीच नहीं भेजेगा। समझ में आ रही मेरी बात में? मतलब क्या है कि जैसे कोई चीज है, कोई मशीन, नया मशीन है, उसको आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उस मशीन को अगर आप रेगुलर चलाते रहोगे तो वो मशीन बढ़िया स्मूथली चलने लगेगा, लेकिन उस मशीन को एक बार चला करके और आपने 6 दिन बंद कर दिया तो मशीन क्या होगा, थोड़ा सा जाम हो जाएगा। फिर आपको उस मशीन को चलाने के लिए उतना ही मशक्कत करना पड़ेगा कि यार 6 दिन तक बंद पड़ा था और फिर से मैं चला रहा हूं। तो आपको रेगुलरिटी बना करके रखना है कि जब वीडियो, जब अच्छा टॉपिक मिले तभी वीडियो बनाना, नहीं ऐसा नहीं है। आप वीडियोस बनाते जाइए, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, आपको ये सोचना है कि ऑडियंस को क्या अच्छा लग रहा है। आपको जो अच्छा लगेगा हो सकता है कि ऑडियंस को अच्छा ही नहीं लगे, और हो सकता है कि जो आपको अच्छा ना लग रहा हो और उस वीडियो को आपने बना करके अपलोड कर दिया, ऑडियंस को वो चीज अच्छी लग गई। तो आपको अपने हिसाब से नहीं, ऑडियंस के हिसाब से वीडियोस बनाना है और रेगुलर वीडियोस बनाना है। समझ में आई मेरी बात? तो ये मत सोचना कि यार जब अच्छा टॉपिक मिलेगा तब मैं वीडियो डालूंगा। कौन कौन इस तरह से करता है नीचे कॉमेंट करो। और पहली गलती कौन करता है, जो मैंने आपको बताया था कि कम वीडियो, कम पहले ज्यादा व्यूज आते थे अभी कम व्यूज आ रहे हैं, ऐसा किसके साथ हो रहा है? और कौन कौन इस तरह से सोचता है कि पहले जब अच्छा टॉपिक मिलेगा तब मैं वीडियो बनाता हूं? अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग मैंने आपको दिखा कि यूट्यूब के इतने बड़े गुरु हैं, उन्होंने भी अपनी गलती को माना है। तो गलती को एक्सेप्ट करना सीखो और बताओ कि कौन कौन इस तरह से करता है, ठीक है। अब यहां पर जो थर्ड गलती है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, इस चीज को गांठ बांध करके रख लीजिएगा जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं। ये सारी गलतियां करना छोड़ दोगे ना, यूट्यूब पे आप आगे बढ़ते रहोगे। थर्ड जो गलती है यूट्यूब का, ये है कि इस वीडियो को मैं डिलीट कर देता हूं। किस वीडियो को मैं डिलीट करता हूं? जैसे मान लीजिए आप वीडियो डाल रहे हो, रेगुलर वीडियो डाल रहे हो, किसी वीडियो पे आपके दो, मान लीजिए 1K व्यूज आ गए, ठीक है। किसी वीडियो पे आपके 1K व्यूज आ गए, दूसरी वीडियो पे आपके 200 व्यूज आ गए, ठीक है। फिर तीसरी वीडियो पे आपके मान लो 800 व्यूज आ गए, ठीक है, 800 व्यूज आ गए। फिर चौथी वीडियो पे मान लीजिए आपने डाला, उस पर 10 ही व्यूज आए। अब आप बोलोगे आए, पहली वीडियो पे 1K, दूसरी वीडियो पे 200, तीसरी वीडियो पे 300, चौथी वीडियो पे 10 व्यूज काहे नहीं आए? आए, एक काम करता हूं इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब उस वीडियो को क्या करते हो, आप उड़ा देते हो, फटाक से जाते हो डिलीट करते हो। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा करना ही नहीं है।
अगर आपने ये अपने चैनल पर ये गलती कर दी तो आपका YouTube चैनल डेड होना ही होना है। आप जो भी वीडियो डाल रहे हो और वीडियो डालने के बाद बीच बीच में आपके जो वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे उस वीडियो को आप डिलीट कर दे रहे हो तो वो खत्म हो रहा है, आपका चैनल खत्म हो रहा है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कैलेंडर है, ठीक है, यहां पर जैसे मान लीजिए कैलेंडर है, जैसे 1 2 3 4 ठीक है 5 6 7 8 9 10 अब ठीक है ये कैलेंडर है। अब इस कैलेंडर में 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, 4 तारीख है। अब कैलेंडर वाला सोचा कि अरे यार 4 दिन तो अच्छा था, 5वां दिन अच्छा नहीं होगा, 5वां दिन को उड़ा देता हूं, कैलेंडर में लिखता ही नहीं हूं, 5वें के बाद 6वां दिन आ जाता है, ठीक है, कैलेंडर से उसने 5वें को हटा दिया, ठीक है, फिर वो 8वें को हटा दिया, तो क्या वो कैलेंडर आप लोगे, क्या वो कैलेंडर आपके लिए सही रहेगा, नहीं सही रहेगा। जैसे मान लो ये हाथ है, ये पूरा शरीर है, आंख अच्छे से काम कर रहा है, सर अच्छे से काम कर रहा है, कान अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, मुंह अच्छे से काम कर रहा है, दांत अच्छे से काम कर रहा है, अब कुछ ऐसा चीज है जो आपको लग रहा है अरे यार ये तो शरीर में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, तो क्या उस अंग को काट कर निकाल दोगे, क्या नहीं निकालोगे ना, उसको अच्छे से रिपेयर करोगे, उससे अच्छे से बढ़िया से बनाओगे ना उस अंग को। तो उसी तरीके से आपको कभी भी कोई भी वीडियो को डिलीट नहीं करना है, इससे आप जब भी ध्यान देखोगे, जब भी कोई वीडियो आप डिलीट कर दोगे, दूसरी वीडियो डालोगे तो उसका इंप्रेशन यूट्यूब भेजेगा ही नहीं। तो अगर आप लोग ऐसी गलती कर रहे हो कि आप वीडियो डाल रहे हो और किसी वीडियो पर व्यूज नहीं आया, उस वीडियो को आप डिलीट कर दे रहे हो, सोच रहे हो कि यार जब व्यूज अच्छा आएगा, मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि जो भी कोई आपका चैनल देखे तो हाँ लगे कि यार इनके वीडियो पर तो व्यूज आ रहे हैं, बस शर्म के नाते कि आप क्या कर दे रहे हो कि यार मेरा कोई चैनल अगर ओपन करके देखेगा, मैं अपना चैनल का नाम बताऊंगा कि मेरा चैनल ये है, और जब मेरा चैनल को कोई ओपन करके देखेगा, देखेगा कि किसी वीडियो पर इतने व्यूज आए, किसी वीडियो पर कम व्यूज आए हैं, ठीक है, और इसके बाद तो उसको कैसा लगेगा, तो एक मैं काम करता हूं, जिस वीडियो पर कम व्यूज आए उसको मैं डिलीट कर देता हूं, लोगों को दिखाने, तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आप एक प्रोफेशनल तरीके से YouTube पे काम कर रहे हो तो किसी वीडियो पर अगर कम व्यूज आ रहे हैं तो उसको आपको डिलीट नहीं करना, हो सकता है वो वीडियो आगे चल के आपकी वीडियो वायरल हो जाए, ऐसा होता है YouTube पे कि वीडियो दो दो तीन तीन महीने तक पड़ी रहती है उसमें व्यूज नहीं आता, इसके बाद में कुछ ऑडियंस ऐसे आते हैं जो उस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं और वीडियो उठ जाती है, तो कभी भी अपनी वीडियो को डिलीट नहीं करना। अब ऐसी गलती कौन करता है नीचे कॉमेंट करके मुझे जरा बता देना, ठीक है, अच्छे तरीके से बता देना। अब यहां पर जो चौथी गलती है यूट्यूबर्स का जो मिस्टेक है, वो चौथी गलती क्या है, यहां पर व्यूज नहीं आ रहा है, मैं वीडियो को प्रमोट या शेयर करता हूं, प्रमोट या शेयर करता हूं। मैं आपको बताता हूं, जब आप देखते हो कि आपका नया चैनल है, आपके चैनल पर 10, 20, 50, 100, 150 व्यूज आ रहे हैं, 10, 20, 50, 100 व्यूज कैसे आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिकली आ रहे हैं, आपको लगा कि यार ये व्यू तो अच्छा नहीं, एक काम करता हूं वीडियो को गूगल एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट कर देता हूं। अब गूगल एड्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, गूगल एड्स जिसके थ्रू वीडियो को प्रमोट किया था, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अगर आखिर गूगल एड्स क्या है, जिनको नहीं पता नीचे कमेंट करो। तो गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं, या तो अपनी वीडियो को क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ग्रुप में शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब शेयर करना स्टार्ट कर देते हो, अब जैसे मान लो आप बना रहे हो कुक वाली वीडियो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुक वाली वीडियो, या मान लो बना रहे हो आप, मान लो बना रहे हो एजुकेशन वाली वीडियो, ठीक है, एजुकेशन वाली वीडियो बना रहे हो, या मान लो आप बना रहे हो क्राफ्ट की वीडियो बना रहे हो, ठीक है, मान लो ये एक कैटेगरी होगी, दो कैटेगरी होगी, तीन कैटेगरी होगी, अब मान लो चौथा कैटेगरी हो गया स्पिरिचुअल कैटेगरी हो गई, ठीक है, स्पिरिचुअल हो गया, पांचवी कैटेगरी हो गई मान लो टेक का हो गया, ठीक है, हो गया, इसके बाद छठवीं कैटेगरी हो गई किड्स हो गया, ठीक है, सातवीं कैटेगरी हो गई कॉमेडी हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑडियंस हो गई है, अब इनमें से मान लो आप बना रहे हो कुक वाले वीडियो, अब आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है, अब आप इस वीडियो को उठाते हो और उठाने के बाद में अब आप व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देते हो, फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर देते हो, और उस ग्रुप में मान लो टेक वाले भी हैं, किड्स वाले भी हैं, कॉमेडी वाले भी हैं, एजुकेशन वाले भी हैं, क्राफ्ट वाले भी हैं, स्पिरिचुअल वाले भी हैं, अब आप अपनी वीडियो को सबके पास में शेयर कर रहे हो, तो यहां पर क्या होगा कि आपकी वीडियो को जब शेयर करोगे तो कोई ओपन करेगा और ओपन करने के बाद में 2 सेकंड से 10 सेकंड तक देखेगा और उसके बाद उस वीडियो को कट करके छोड़ के भाग जाएगा, एक कमेंट कर देगा, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया वीडियो, पूरा वीडियो देखा नहीं, बस आपने शेयर किया, आपके शेयर करने की वजह से वो बस ओपन करके, या ओपन करेगा भी नहीं, ओपन करके बस नीचे कमेंट कर देगा, उसको मतलब ही नहीं, आप कुक वाले वीडियो बना रहे हो तो उसको टेक वाले से क्या मतलब है, किड्स वाले से क्या मतलब है, कॉमेडी वाले से क्या मतलब है, एजुकेशन वाले से क्या मतलब है, क्राफ्ट वाले से क्या मतलब, किसी को मतलब नहीं, बस वो कमेंट कर दिए कि गुड वीडियो, आपको लगा कि यार इतने लोगों ने कमेंट किया है मेरी वीडियो पे व्यूज आ गए, वीडियो चला क्यों नहीं, तो मान लीजिए जब इस तरह से 100 लोगों ने इस तरह से आपको फालतू में ओपन करके कमेंट कर दिए, अब चाहे वो वीडियो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो,
वो वीडियो आगे जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि YouTube को लगा कि यार ये वीडियो 5 मिनट की है, 10 सेकंड तक लोगों ने ओपन करके छोड़ के भाग गए, यानी कि इस वीडियो में कोई भी दम नहीं है, इस वीडियो को कभी भी प्रमोट नहीं करेगा, कभी प्रमोट नहीं करेगा। इसके बाद आप जब भी कोई वीडियो डालोगे तो YouTube उस वीडियो का इंप्रेशन भेजेगा ही नहीं भेजेगा। तो इसीलिए आप कभी भी गलत लोगों को अपनी वीडियो को शेयर मत करो, प्रमोट मत करो, यानी कि गलत लोगों के पास अपनी वीडियो को भेजो ही मत, ऑर्गेनिकली आने दो। और जो वीडियो ऑर्गेनिकली आए, जो व्यूज ऑर्गेनिकली आएगी, यानी कि अगर आपकी वीडियो पे सर्च से व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, ब्राउज फीचर से व्यूज आ रहे हैं, तो यही आपके चैनल को ग्रोथ दिलाते हैं। मान लीजिए आपके सर्च से आ रहे हैं, यानी कि आपकी वीडियो को खोज के आ रहे हैं, आपके चैनल को उन्होंने सर्च किया, आपकी वीडियो को देखा, तो आपको वॉच टाइम वहां से मिलेगा। जब वो सर्च करके आपकी वीडियो को देखेंगे तो आपकी 5 मिनट की वीडियो, अगर वो 4 मिनट तक वीडियो को देखें तो आपको वॉच टाइम मिलेगा, और वॉच टाइम ही चैनल को ग्रोथ दिलाता है। अगर वॉच टाइम नहीं रहेगा तो आपका चैनल खोखला हो जाएगा, आपका चैनल चलेगा ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप जब शेयर कर देती हो तो उस वीडियो से वॉच टाइम मिलता ही नहीं है, सिर्फ व्यूज काउंट हो जाता है। और जब वॉच टाइम नहीं मिलेगा तो आपकी वीडियो चाहे कितनी भी अच्छी बनाओ, वो वीडियो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। समझ में आई मेरी बात? तो ये आपको नहीं करना है कि आप गलत लोगों के पास में शेयर करना, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। अब यहां पर जो पांचवी गलती है वो क्या है, मैं स्पॉन्सर करता हूं। जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं कि आप, मेरे गुरुजी ने बताया कि मैंने गुरुजी को बहुत पहले ही बोलता था कि सर आप इतना स्पॉन्सर मत कीजिए, आपकी ऑडियंस जो टूट रही है। अब मैं अपने धर्मेंद्र सर को बोलता था कि सर इतना स्पॉन्सर सर कर रहे हैं कि इस तरह से गलत है, क्योंकि ऑडियंस इससे टूटती है। इससे होता क्या है कि स्पॉन्सर, जैसे मान लीजिए मेरा चैनल है, मैं अपने चैनल पर अगर अनबॉक्सिंग करने लगूं, मेरी जो ऑडियंस है वो टेक की वीडियो है देखती है, ठीक है, YouTube टिप्स की वीडियो देखती है, मैं YouTube टिप्स बताता हूं, ठीक है। अब मैं अपने YouTube चैनल पर अगर पैसे की वजह से, मुझे बहुत सारे स्पॉन्सर आते हैं, रिव्यू के गैजेट रिव्यू के आते हैं कि ये इतना पैसा ले लो, 80,000 रुपए ले लो, 90,000 रुपए ले लो, 1,00,000 रुपए ले लो, और आप क्या करो कि रिव्यू कर दो अपने चैनल पर, गैजेट रिव्यू कर दो, ठीक है, अनबॉक्सिंग कर दो। लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर इस तरह से करने लगा तो मेरी जो ऑडियंस है वो इस वीडियो को पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी जो वीडियो ऑडियंस है वो YouTube टिप्स वाले हैं, मेरी जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन अर्निंग वाले हैं। तो मैं कभी भी, आप देखो कि मैं अपने चैनल पर कभी भी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो करता ही नहीं हूं, रिव्यू प्रोडक्ट का रिव्यू करता ही नहीं हूं। मैं ऑनली करता क्या हूं कि स्पॉन्सर करता हूं अर्निंग वाले जो एप्लीकेशन होते हैं, और वो भी कैसे, मैं 10 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में एक स्पॉन्सर करता हूं। मैं रेगुलर कभी भी लगातार 1, 2, 3, 4, 5 करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। मैं पर डे अगर स्पॉन्सर करूं तो 1 से 1.5 लाख रुपए का एक वीडियो का स्पॉन्सर करूं, ऐसे 15 दिन में मैं 30 लाख रुपए कमा सकता हूं, 15 दिन डाल डाल के, ठीक है, रेगुलर स्पॉन्सर वाली वीडियो डाल के। लेकिन उससे क्या होगा कि मेरी जो ऑडियंस है वो टूट जाएंगी, वो खराब हो जाएंगी। कैसे? जैसे मान लो कि मेरी जो वीडियो है, YouTube टिप्स वाले लोग वीडियो देख रहे हैं, आप YouTube टिप्स वाला देख रहे हो, अब मैं यहीं पर एक अर्निंग वाले स्पॉन्सर वाली वीडियो डाल दूं तो आप एक दिन देखोगे, फिर दूसरे दिन डालो 2 दिन देखोगे, लेकिन तीसरे दिन डालो ना तो आप देखोगे नहीं, आपको लगेगा कि यार आप स्पॉन्सर वाली वीडियो डाल रहे हैं, इससे मेरा क्या मतलब है। तो उससे क्या हुआ कि जो उससे जो ऑडियंस वीडियो देखेंगे, अब जब मैं दूसरे दिन, अगले दिन मैं जब फिर से 4-5 दिन बाद में अपना अपने मेन कंटेंट को डालूंगा तो वो ज्यादा लोग स्किप कर देंगे, वो नहीं देखेंगे। तो इसीलिए कभी भी लगातार स्पॉन्सरशिप नहीं करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे 10 दिन में एक कर लो, 15 दिन में एक कर लो, ठीक है, बीच बीच में एक कर लो, इसके बाद अपने रियल कॉन्टेंट पे आ जाओ, जो ओरिजिनल कॉन्टेंट आप डालते हो, जो मेन कॉन्टेंट आपका है, थीम है, ठीक है। तो कभी भी पैसे के लालच में आकर के लगातार धड़ल्ले से स्पॉन्सरशिप नहीं करना है, नहीं तो देखोगे कि आपकी जो ऑडियंस है वो एकदम से टूट जाएंगी, वो आपके चैनल को छोड़ करके चले जाएंगे, भले सब्सक्राइबर रहेंगे लेकिन कोई भी मतलब नहीं रहेगा, ठीक। अब इसके बाद में छठवां गलती क्या करते हैं लोग, यूट्यूब पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, चल रहा है, डाल देता हूं। काफी सारे नए यूट्यूबर आज के टाइम पे 90% जो यूट्यूबर हैं ये गलती करते हैं, 90% यूट्यूबर। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव में उनको क्या रहता है कि यार मुझे तो क्या चाहिए, बस अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और वॉच टाइम चाहिए, इतना 4000 घंटे के, बस अपने चैनल को मोनेटाइज कर लो। या अगर उनका चैनल मोनेटाइज भी है तो उनको बस क्या मतलब दिखता है कि यार मेरी वीडियो पर व्यूज आ जाए, उनको ये नहीं मतलब रहता कि यार मेरी वीडियो पर जो व्यूज आ रहे हैं, मान लो कोई वीडियो वायरल चल रही है, उस वीडियो को उठा करके डाल दी, उस पर व्यूज आ गए, फिर आपको यूट्यूब पर कोई और कैटेगरी का वीडियो दिखा, वो वाली वीडियो उठा करके आप डाल दे रहे हो। अब मान लो कि आपने 10 वीडियो इसी तरह से डाल दिया, अब 10 वीडियो डाला 10 कैटेगरी वाले की, अब 10 से आपके अलग अलग सब्सक्राइबर आ गए, अलग अलग आ गए, खिचड़ी बना दिया आपने, जो चल रहा है उस चीज को उठा करके आपने डाल दिया, तो उसमें होगा क्या कि आपको अलग अलग तरह के सब्सक्राइबर मिल गए। अब उसमें क्या होगा, जैसे मेरे चैनल पर देखो
7 लाख सब्सक्राइबर हैं, 7.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, 7.5 लाख सब्सक्राइबर सिर्फ यूट्यूब टिप्स वाले हैं, इसमें कोई अनदर वाले नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कॉमेडी वाले और किसी और कैटेगरी वाले हैं नहीं, सिर्फ यूट्यूबर्स हैं, तो मेरे वीडियो पर व्यूज आते हैं। अगर मेरे चैनल पर अलग अलग कैटेगरी की मैं भी वीडियो डालता, मिक्स कंटेंट डालता, तो अलग अलग तरह के सब्सक्राइबर आ जाते, और वो मान लो कि मैं टेक वाली वीडियो डाला और कॉमेडी वाले सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर भरे पड़े हैं, ठीक है, क्राफ्ट वाले सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर भरे पड़े हैं, कुक वीडियो देखने वाले मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर भरे पड़े हैं, तो जब मैं टेक वाली वीडियो डालूंगा तो क्या कुक वाले वीडियो, जो कुकिंग वाले वीडियो देखते हैं, वो मेरे वीडियो को देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो कभी भी जो भी वीडियो वायरल चल रही हो, आप व्यूज के चक्कर में ये मत डालो, नहीं तो आपको तरह तरह के सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, और आप जब भी अपने चैनल की अपने कैटेगरी वाली वीडियो जब डालोगे तो वो उसके व्यूज व्यूअर जो है आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं, तब आपको निराश हो जाएगी, यार इतने सब्सक्राइबर हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के मिलियंस में सब्सक्राइबर रहते हैं लेकिन उनके वीडियो पर व्यूज 500 से 600 आते, क्यों? क्योंकि उन्होंने ढेर सारा मिक्स कंटेंट डाल करके अपने चैनल पर सिर्फ सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लिया है और व्यूज नहीं आता। सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हैं और वो आपके नीच के हैं, वो आपके कैटेगरी के हैं, तो वही आपके चैनल को इनिशियल बूस्ट देते हैं, ठीक है, वही आपके चैनल को अच्छे वॉच टाइम देते हैं, क्योंकि आप जब वीडियो डालोगे, मान लो 500 लोगों ने देखा आपकी वीडियो को, 500 लोगों ने आपकी वीडियो को पूरा देखा, तो वॉच टाइम मिला, और यही 500 से आपके 5 लाख तक जाएंगे, ठीक है, 5 लाख तक यही आपके लेके चले जाएंगे। तो कभी भी ऐसा मत डालो कि जो वीडियो वायरल चल रही है जहां से मिल रहा है वो उठा करके डाल दो। तो ये गलती कौन कौन करता है नीचे कमेंट करके अब आप बताओ। अब इसके बाद यहां पर लास्ट 7वां गलती है, मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं दूसरों को देख करके। काफी सारे लोग ऐसे करते हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आप लोगों में से हो गए कि आपके साथ बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होगा, अब दूसरे के चैनल को देखोगे कि यार उसका चैनल तो ग्रो हो रहा है, मेरा चैनल नहीं ग्रो हो रहा, ठीक है, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, अब उस चक्कर में आप डिमोटिवेट हो रहे हो। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अपने थाली में दाल रोटी रखा हुआ है और दूसरे की थाली में आप मलाई कोफ्ता पनीर देख करके आप चिंता हो रहे हो कि यार वो तो बहुत बढ़िया से खाना खा रहा है, मेरी थाली में ही दाल रोटी है, तो दूसरों के थाली के देखने के चक्कर में आपकी थाली में जो रहता है ना वो भी आपके सामने से हट जाता है। तो इसीलिए दूसरों का मत देखो, आप अपने चैनल पर वीडियो डाल क्या रहे हो और आपके चैनल पर कमी क्या हो रही है, क्या चीज की कमी हो रही है, उस चीज को अच्छे तरीके से समझो और इसके बाद में अपने चैनल पर काम करो, अपने कंटेंट पर फोकस करो, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर नहीं। अब मान लो मैं अपने चैनल पर जैसे मान लो मेरे चैनल पर देखो मिलियन मिलियन व्यूज आए हुए हैं, पुराने वीडियो पर लाखों में व्यूज आए हुए हैं, अब मैं किसी दूसरे के चैनल को देखो जिसपे 15-20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, अब उसको देख करके मैं अपने चैनल को कोस दूं कि अरे यार मेरे चैनल पर तो सिर्फ 50,000 1 लाख तक व्यूज आ रहे हैं, उसके चैनल पर मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, अब उसको उसके चक्कर में देखते थे मैं अपने आपको डिमोटिवेट कर दूं और मैं अपने चैनल पर मैं क्या क्या रहा हूं उसको भूल जाऊं, तो इससे मेरा चैनल और खत्म हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि पिछले मेरे वीडियो पर व्यूज क्यों इतने आ रहे हैं, मिलियन में व्यूज क्यों आ रहे हैं, उसी चीज को मैं और इंप्रूवमेंट करके नेक्स्ट अपने चैनल पर वीडियो डालूंगा तो मेरे चैनल पर और अच्छे व्यूज आएंगे। दूसरे को देख करके डिमोटिवेट आपको नहीं होना कि यार वो तो इतना कर रहा है मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। हाँ, दूसरों को देखना है, कॉम्पिटिशन में बने रहना है, करके हो क्या रहा है, लेकिन अपने चीज को फोकस जरूर करना है, ठीक है। तो ये नहीं देखना कि यार दूसरे के थाली में तो खीर पकवान है, मेरे थाली में तो रोटी है, आपके पास में रोटी है तो उसी रोटी को खा करके अपने आप को तंदुरुस्त बनाओ, धीरे 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 खीर पकवान आपके थाली में आने लगेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये सारी गलतियां आपको अपने YouTube के करियर में नहीं करना है। कौन कौन सी गलती आप करते हो नीचे कमेंट करके बताना, मुझे तो लगता है कि सभी लोग ये सारी गलतियां करते ही करते होंगे, ठीक है। तो अगर ये सारी गलती कर रहे हो तो आज से अभी छोड़ दो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में थैंक यू बोल दो, थैंक यू एक्टिव राहुल सर, और वीडियो जिसको भी अच्छा लगा कमेंट जरूर करना, आपके मन में जो भी डाउट हो सवाल हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम को मुझे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं दे रखा हूँ, व्हाट्सएप चैनल कर ली उसको भी फॉलो कर लेना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।